Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vishal and hope you guys are doing great. तो ये मेरा साल 2022 का पहला वीडियो है और मेरा जो लास्ट वीडियो है तो ऑलमोस्ट 4 महीने पहले आया था. तो इस बीच काफ़ी कुछ चल रहा था लाइफ में और मैंने काफ़ी प्रोकेस्टिनेट भी किया. बीच में न्यू ईयर भी निकल गया, होली भी निकल गई और पता नहीं क्या क्या निकल गया. तो बट नाउ आई एम बैक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लासरूम लर्निंग वर्सेस ई लर्निंग. तो पिछले 2 साल से जहाँ सारे स्कूल कॉलेजेस और क्लासरूम सब बंद है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड करके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. वैसे ही प्रोफेशनल्स जो हैं वो ई लर्निंग के थ्रू अपने स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं. तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ई लर्निंग जो है वो आगे चल के क्लासरूम लर्निंग को रिप्लेस कर देगा, जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था अभी तक नॉलेज एक्वायर करने का, या फिर जो है ई लर्निंग जो है सिर्फ एक अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे ही रहेगा इन फ्यूचर आल्सो. और एक सवाल और है कि क्या क्लासरूम लर्निंग का कोई रेलिवेंस रहेगा कि नहीं रहेगा इन फ्यूचर. तो आज की इस वीडियो में हम सारे इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वाकई क्लासरूम लर्निंग का कोई रेलिवेंस रहेगा भी नहीं रहेगा, या फिर किन किन सिचुएशन में क्लासरूम लर्निंग एप्लीकेबल रहेगी और किन सिचुएशन में ई लर्निंग एप्लीकेबल रहेगा. तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो इस वीडियो में मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा. तो सबसे पहले हम ई लर्निंग की प्रोस के बारे में बात करते हैं और उसको साथ ही साथ क्लासरूम लर्निंग के साथ भी कंपेयर करते रहेंगे. तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोस के, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी. तो सबसे पहला प्रोस है जिसके बारे में बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी. अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ई लर्निंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द क्लासरूम लर्निंग. अब जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें इसमें ई लर्निंग में मिलती है या ऑनलाइन लर्निंग में मिलती है वो उतनी क्लासरूम लर्निंग में नहीं मिलती है. क्लासरूम लर्निंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होना ज़रूरी है. क्लासरूम का एक स्केड्यूल होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिस टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती हैं. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं ई लर्निंग में. ई लर्निंग में अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं, अपने पसंद का इंस्ट्रक्टर चुन सकते हैं. प्लस अगर आप ऑनलाइन क्लासरूम्स भी अटेंड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होना ज़रूरी है. आप ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड करने के लिए भी किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं. ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन. सबसे बड़ा जो प्रॉज है ई लर्निंग का, इट्स मोर फ्लेक्सिबल देन दी क्लासरूम लर्निंग. तो ई लर्निंग का जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉज है वो है दैट इट इज़ इकोनॉमिकल. ई लर्निंग इज़ मोर इकोनॉमिकल देन दी क्लासरूम लर्निंग. कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे जो ई लर्निंग को काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है. ट्रैवलिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ जो क्लासरूम लर्निंग में प्रोवाइड होती हैं और अदर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, ये सारी जो एडिशनल कॉस्ट होती हैं वो ई लर्निंग में एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू क्लासरूम लर्निंग. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोज विच इज़ लेस डिस्ट्रैक्शन. ई लर्निंग का एक मेजर एडवांटेज मेरे हिसाब से वो ये है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन कम होता है. अनलाइक क्लासरूम्स या हमारे आसपास कोई नहीं होता, तो जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन और डिस्टरबेंस कम होता है और हम अपना पूरा फोकस लर्निंग पर कर सकते हैं. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोज है ई लर्निंग का, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग. ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासरूम का पूरा पर्पज ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और बिना क्लासरूम आए लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें. अब सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है क्लासरूम में और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ई लर्निंग का ओवर द क्लासरूम लर्निंग. तो ये 4 पॉइंट्स हमने अभी कवर करे हैं, ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट से ई लर्निंग के कुछ प्रॉस थे. तो अब हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं तो वैसे ही जहाँ प्रॉज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं. तो अब बात करते हैं ई लर्निंग के कॉन्स के बारे में और उनको कंपेयर करेंगे विद क्लासरूम लर्निंग्स. तो हम बात करते हैं ई लर्निंग के पहले कॉन के बारे में और वो है लिमिटेड नेटवर्किंग. ई लर्निंग में सोशल कॉन्टैक्ट बहुत कम होते हैं. जहाँ क्लासरूम में हम पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरे स्टूडेंट के साथ नेटवर्किंग भी करते हैं और इससे हमारा सोशल सर्कल भी बढ़ता है, बट ये चीज़ ई लर्निंग या ऑनलाइन क्लासरूम में पॉसिबल नहीं हो पाती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ ई लर्निंग, और वो ये है कि इट हैज़ डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर एंड इंटरनेट. ई लर्निंग के लिए हमें इंटरनेट और डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. इसके बिना ई लर्निंग के थ्रू नॉलेज गेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. अब कई ऐसे स्टूडेंट या लोग होते हैं जो कि हाई स्पीड इंटरनेट या एक अच्छा मोबाइल या एक अच्छा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते. ऑल्सो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या आपका डिवाइस ख़राब हो गया है तो दिस कुड क्रिएट प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग दी ऑनलाइन कोर्सेज. ऑल्सो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम या ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि इंडिया में आजकल काफ़ी
अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन या अच्छे एंट्री लेवल लैपटॉप्स अवेलेबल है और इनफैक्ट डेटा प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि ओवरकम किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ द ई लर्निंग, और मेरे हिसाब से मुझे ये एक मेजर ड्रॉबैक लगता है ई लर्निंग का, और वो ये है कि ई लर्निंग के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाना या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ प्रैक्टिकल नॉलेज इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू द ई लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल साइंस रिलेटेड कोई भी क्लास या कोर्स बिना प्रैक्टिकल्स के इनकम्प्लीट है, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक फुल्ली इक्विप्ड लैब की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सिर्फ वीडियो देखकर या इंस्ट्रक्टर को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखकर कुछ खास फायदा नहीं होगा अनटिल वही एक्सपीरियंस हम खुद करके देखें। तो इस तरह के कोर्सेज या क्लासेस के लिए क्लासरूम लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है ओवर द ई लर्निंग। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कैटेगरी एंड इट इज़ कोर्स क्वालिटी। अब ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है विद ई लर्निंग, जहाँ ऑनलाइन हज़ारों लाखों कोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन सारे कोर्सेज अप टू द मार्क नहीं होते हैं। इन कोर्सेज की ख़राब क्वालिटी की वजह से स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है अगेंस्ट दीज ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन कोर्सेज पर पैसे लगाने से पहले हम उसका डेमो देखें और कोर्स का कंटेंट भी चेक करें। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे ई लर्निंग के, एंड नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर द फाइनल कंक्लूजन। तो मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि ई लर्निंग की वजह से आज के टाइम पे हमारे लिए नॉलेज गेन करना बहुत आसान हो चुका है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ई लर्निंग क्लासरूम लर्निंग को टोटली रिप्लेस कर देगा। मैं ई लर्निंग को अभी भी सिर्फ एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर जरूर देखता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ई लर्निंग या ऑनलाइन क्लासरूम सबके लिए है? अगर नहीं तो ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा? तो देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारी इनिशियल एजुकेशन जो होती है वो क्लासरूम लर्निंग के थ्रू ही होना चाहिए, एक क्लासरूम्स के थ्रू ही होना चाहिए, स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड करके। हम बीच बीच में ऑनलाइन क्लासरूम में स्विच कर सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो क्लासरूम के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ई लर्निंग बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो पूरा वीक बिजी रहते हैं, इस बीच उनके लिए जो है क्लासेस अटेंड करके अपने स्किल्स एनहेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ ई लर्निंग या ऑनलाइन क्लासरूम उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो वीकेंड से बैठ के अपने पसंद के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए ई लर्निंग वरदान से कम नहीं है। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि ई लर्निंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल तो है, लेकिन वो क्लासरूम लर्निंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। देखिए, काफ़ी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि क्लासरूम या स्कूल जो एक वैल्यू ऐड करता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, वो ई लर्निंग नहीं करता है। क्योंकि क्लासरूम में सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं मिलती है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस भी आता है हमारी लाइफ में वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी लाइफ को शेप करने में। तो स्टूडेंट्स के लिए जो इनिशियल लर्निंग होती है वो क्लासरूम के थ्रू ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ई लर्निंग बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो जो लिमिटेड टाइम होता है उसको वो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करके और ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड करके और अपने आप को अपस्किल करके। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।